हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो कल है करवा चौथ और आप लोग भी शायद तैयारी कर ली होगी, सारी करवा चौथ की शॉपिंग वगैरह कर ली होगी। और आज तो सारी लोग फुर्सत होकर लगवाएंगे मेहंदी, तो मैं भी आज मेहंदी लगवाऊंगी। मिलती हूँ आपसे आगे। हम 4 घंटे बाद आते हैं। मोनिका बोल उतने बहु बनी, फिर पता ही नहीं, मतलब 2 घंटा काम निकल जाता था यही कर। एक दिन हम ऑटो गए, हम मम्मी रात में, अब वो ऑटो ऐसा था जैसे नहीं, पहले पैर रखते थोड़ा ऊंचा होता फिर वैसा होता, तो अंकुर मम्मी गिर पड़ी। उसमें अंधेरा हो रहा था, प्रास्पत बाजार जा रहे जैसे चढ़े, मतलब हमने सोची बराबर ले भी ले, था वो ऊंचा नीचा, तो वो गिरी। अब वो खूब ठट्टा मार खासी, हमने सोची हम भी गिरे, हमने भी पैर रखने को ऐसी जगह करी तो हम भी गिर गए। मोहन का क्या करें, मतलब पहिया में जाते जाते रहा। हाँ, वो है कि भैया ने तेरे से कुछ कही ना, हमारे तो चिल्ला गौर पड़ते ये टोक रहे, ज्यादा अच्छा लग रहा है ऊपर ने रखी से, ये तार के रख ले ना, समझ ले। तो मन क्या करें, दुनिया रो पट्टा नहीं डाल रहा तुम्हारा और मेरी याद की है। पर यार मेरे तो कॉलर है, बिल्कुल आज कातिल दिल बना देना, खतरनाक धड़कनों के साथ धड़कता रहे जो है। हाँ सांसे क्या हो रहा है प्रभा, मम्मा की मेहंदी लग रही है, पीछे हटो थोड़ा, आओ तो मेहंदी खराब कर देगी सब। हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सभी महिलाओं को मेरी तरफ से हैवी करपा चौथ, और मैं हो रही हूँ फिलहाल मैं तैयार कथा सुनने के लिए, तो मिलती हूँ आपको आगे। हम लोग हो गए हैं रेडी पूजा में जाने के लिए, और पूजा में जाकर आपको मिलते हैं। और ये रहा हम लोगों का लुक। वो भी है क्या? इधर देख लो, इधर 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 शाम को बज गए हैं 6, और खाने के लिए मैं हो गई हूँ आज लेट। और खाने में क्या बन रहा है, इधर वो ऑयल गर्म हो रहा है, अब तीनों चूल्हे फटाफट शुरू करते हैं, जलाते हैं और इन पे तीनों पे एक साथ करेंगे सारा काम जो जो होना है, तो जल्दी थोड़ा हो जाएगा। और इधर ऑयल गर्म हो रहा है, इसके लिए ये मटर पनीर मैं बनाऊंगी। इधर मैंने आटा भी मल लिया है, और इधर कढ़ी बनेगी, तो कढ़ी के लिए ये ब्लेंडर कर दिया बेसन और दही, और इधर पकौड़ी के लिए भी बेसन रखा है तैयार। मेरा दूध गर्म हो रहा है, इसमें थोड़े से जवे या चावल डालेंगे, खीर बनाएंगे मतलब, तो इतना सामान मैं बनाऊंगी फिलहाल में, और आगे आपसे मिलती रहूंगी।
और जल जल दे सामने को थाली उठा लो।